आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोडक्ट Amazon पर लिस्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर उस प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएशंस हैं, मतलब वो प्रोडक्ट्स मल्टीपल कलर्स में आता है या मल्टीपल साइजेस में आता है या बोथ। तो कुछ इस टाइप की लिस्टिंग हम आज क्रिएट करेंगे। और हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, आप ही से बोल रहा हूँ, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और चलिए चलते हैं लैपटॉप पर। तो ऐसी लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में अपने लॉगिन ले लेना है। और आप देखेंगे यहाँ पे मेन्यू में जाके आपको ऑप्शन आ रहा है कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट्स। तो आप ऐड प्रोडक्ट्स पे जाएंगे एंड उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे तो आपके सामने लिस्ट योर प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं लिस्टिंग क्रिएट करने के, लेकिन हम कीवर्ड का यूज़ करके करेंगे। तो हम सिंपली आज हम लेट्स सपोज शूज़ कर रहे हैं, तो रनिंग शूज़ फॉर वुमेन का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद आप देखोगे बहुत सारे शूज़ आ गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पे मैपिंग नहीं कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखोगे नीचे लिख के आ रहा है क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जनरल लिस्टिंग कंटेंट अर्ली एक्सेस। तो अमेज़ॉन अब सेलर्स की और ज़्यादा हेल्प कर रहा है। आप अपना प्रोडक्ट अगर यहाँ पे अपलोड करते हैं, जब लिस्टिंग बना रहे हैं, तो आप अमेज़ॉन के एल्गोरिथम का भी यूज़ कर सकते हैं टू राइट अ कंटेंट। तो अब लिस्टिंग बनाना सुपर ईजी हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे एक टाइटल दे देते हैं, लेट सपोज मेरे शू का जो नाम है वो है अमेजिंग विमेन रनिंग शूज़। अभी मैं एग्जांपल के लिए नॉर्मल टाइटल ले रहा हूँ, तो ऑप्टिमाइज्ड या हम कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे हैं आज, हम सिर्फ लिस्टिंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप आता है, ये बेसिकली आपकी नोड होती है कि प्रोडक्ट एक्चुअली किस कैटेगरी में जाके लिस्ट होगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये नोड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप हमेशा करेक्ट सेलेक्ट करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये शूज़ के अंदर है तो बिल्कुल ठीक है, तो आप कन्फर्म कर सकते हैं, एल्स आप सेलेक्ट अदर पे भी करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके लिए अगर हम यहाँ पे रनिंग शूज लिखेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन आपको बहुत सारे डिटेल दे देगा कि नोड क्या, शूज एंड हैंडबैग शूज, मेन शूज, स्पोर्ट्स शू, रनिंग शूज में आपको डालना है, फुटवेयर मेन रनिंग शूज में डालना है, एंड इस तरीके से वॉकिंग शूज में डालना है, या किस कैटेगरी में आपको डालना है, तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका वहाँ पे सही कैटेगरी आपको नहीं मिल रही है, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो स्पोर्ट्स फिटनेस आउट ऑफ वुमेन फुटवेयर वुमेन एंड रनिंग शूज, दिस इज द एप्रोप्रिएट कैटेगरी फॉर माई प्रोडक्ट, क्योंकि हम वुमेन रनिंग शूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो इसके बाद आप देखेंगे नीचे वेरिएशन का चेकबॉक्स आ रहा है, जैसे आप इस पर टिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। तो इस हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आते हैं, अगर आपके टी शर्ट्स हैं तो अलग एट्रीब्यूट्स आएंगे, बुक्स हैं तो अलग एट्रीब्यूट्स आएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो अभी क्या करना है, अभी हमारा शूज है तो हमारा शूज किस किस एट्रीब्यूट पे वेरिएशन क्रिएट कर सकता है, या हमारे शूज किस किस वेरिएशन पे आते हैं तो हम उसको कंसिडर करेंगे। तो हमारे शूज के साइज अलग अलग हैं तो हम एक ये वेरिएशन लेंगे, हमारे शूज के कलर अलग अलग हैं तो हम एक ये वेरिएशन लेंगे, बाकी हम नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप मल्टीपल चीजों के कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें शू साइज एंड कलर पे ही वेरिएशन बनाना है। तो उसके नीचे आप देखोगे ब्रांड नेम पूछ रहा है लिस्टिंग क्रिएट करते हुए। तो अगर आपके जो शू हैं अगर वो किसी ब्रांड के हैं, जो आपका खुद का ब्रांड है, लेट्स सपोज अमेजिंग हो गया, एडिडास हो गया, एनीथिंग, तो आप यहाँ पे वो नाम लिख देंगे। लेकिन अभी फॉर दिस एग्जाम्पल मैं इस बॉक्स को चेक कर रहा हूँ कि मेरे शूज का कोई ब्रांड नहीं। इसके बाद हम एक बार जनरेट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि एआई कुछ कंटेंट आपको यहाँ पे जनरेट करके दे देती है, जैसे वुमेन रनिंग शूज फॉर डेली एक्सरसाइज ब्लैक, लेकिन जो हमने लिखा था दैट इज अमेजिंग वुमेन रनिंग शूज, तो मुझे ये ठीक लग रहा है, ये मैंने इसलिए जनरेट कराया है कॉन्टेंट, क्योंकि अभी आप जब आगे देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट डिटेल्स में, वेरिएशन में, तो ऑलरेडी जो डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो अमेज़न ने लिख दिए हों। ठीक है, तो अब वो काफी चीजें आसान कर रहा है सेलर के लिए। तो अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आप नेक्स्ट स्टेप पे देखोगे ये जो इतना भी कॉन्टेंट है ना, ये सब जो मैंने जनरेट किया था Amazon AI का यूज करके उसने किया है। आप चाहो तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आई ऑलवेज रिकमेंड, मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा, और आपके बात ध्यान रखनी है कि ये कंटेंट एक बार पढ़ ले, इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कभी कभार वो कंटेंट गलत दे, क्योंकि ये अर्ली स्टेज में है, बीटा वर्जन चल रहा है इसका, तो कंप्लीटली और ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है इसको, पढ़ के देख लें आप। दिस रनिंग शूज फॉर वुमेन आर डिजाइन फॉर कंफर्ट परफॉर्मेंस ऑल ट्रेन विद सो एंड सो थिंग, तो ठीक लग रहा है
ये, अब जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने खुद ही अपना वेट वगैरह डाल दिया, 8 ounces एंड ऑल, एंड फिटिंग क्विक 5K बिफोर वर्क, दीज आर द नंबर्स। अगर आप कुछ नंबर कोट कर रहा है वहां पे, अमेजोन खुद कोट कर रहा है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। अगर आपके जो शू का वेट है वो 8 ounces नहीं है या उससे ज्यादा या कम है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको रिव्यूज में मिल सकता है, आपकी लिस्टिंग में मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको कॉन्टेंट सही लग रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, एल्स रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने रीजनरेट पे क्लिक किया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड वो पूरा कंटेंट फिर से रीराइट कर देगा और आप देखोगे इसमें वेट हट गया। तो इस तरीके से आप वो कंटेंट रीजनरेट कर सकते हैं, विच इज इजी। पहले मैंने देखा था बहुत सेलर्स को दिक्कत आती थी कंटेंट लिखने में, बट स्टिल आई रिकमेंड कि पहले आप कीवर्ड रिसर्च करें या उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट लिखें, डिस्क्रिप्शन या बुलेट पॉइंट्स लिखें। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स भी लिख के दे दिए हैं, कंफर्टेबल ब्रीथेबल में सिंथेटिक अपर मटेरियल्स, लो लाइट वेट कुशनिंग, ड्यूरेबल ट्रेड, सपोर्टिव डिजाइन, ऑल डे वियर। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसने बुलेट पॉइंट जनरेट किए हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत बुरे हैं, लेकिन जिस हिसाब से अर्ली स्टेज का AI वर्क कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा कंटेंट लिख के दिया है। क्योंकि पहले मैंने देखा था, जैसे मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि सेलर्स कंटेंट नहीं लिख पाते थे, बट दिस इज अ रियली गुड कंटेंट। अगर सेलर्स को बेसिक पता है कि यार चलो उनका जो शू है वो मेश, उसका जो अपर है वो मेश में है, जो सोल है वो ईवा का है, लेकिन यहाँ पे AI आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है जस्ट टू राइट ऑल दिस कॉन्टेंट। इसके बाद आप नीचे आएंगे और आपको यहाँ पे इमेजेस अपलोड करनी है। हम मैक्सिमम 9 images तक अपलोड कर सकते हैं, तो लेट्स अपलोड आर इमेजेस। तो हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे एंड फर्स्ट इमेज हम ये ले लेते हैं, पिंक कलर शूज, ओके, एंड सेकंड भी अपलोड कर लेते हैं, दिस ग्रीन वन, नाउ द ब्लैक, लाइफस्टाइल एंड वन मोर, ओके। इसके बाद आप ऑर्डर्स भी चेंज कर सकते हैं अपलोड के बाद। लेट सपोज आपको लगता है ऑर्डर चेंज करना है, तो जैसे अमेजोन की गाइडलाइन कहती है कि जो फर्स्ट इमेज होनी चाहिए वो व्हाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, जो कि अभी हमारी इमेज नहीं है, मेन इमेज हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, तो इसको हम शिफ्ट करके फर्स्ट पोजिशन पे ले आएंगे, राइट। तो ये मैंने जानबूझ के किया था सो दैट आपको दिखा पाऊं कि आप इस तरीके से भी चीजें कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट पे, विच इज प्रोडक्ट डिटेल्स। अब आपको प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, तो आप यहाँ पे डालेंगे कि क्लोजर टाइप क्या है, तो ऑब्वियसली हमारे शू में लेसेस हैं तो हम लेस अप सेलेक्ट करेंगे। तो ये सब मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जितनी भी एस्ट्रिक लगे हुए हैं, जिन पे भी ये स्टार बना हुआ है, ये सारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं, तो इनके बिना आपकी लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी, आपको डालने ही पड़ेंगे। बट आई सजेस्ट यू कि जो फील्ड्स आपकी मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको पता है वो डेटा, तो प्लीज उसको डालें, क्योंकि वो आपको एज देता है उन सेलर के ऊपर जो नॉन मैंडेटरी फील्ड्स कभी फिल नहीं करते, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं हमेशा बोलता हूं, ज्यादा से ज्यादा डेटा देने की कोशिश करें, सो दैट अमेजोन को आपका प्रोडक्ट समझ आए, आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट समझ आए। अगर आपका कोई मॉडल है शू का तो आप वो डाल सकते हैं, तो लेट्स सपोज हम डाल देते हैं शू 1 2 3। किस टाइप का मटेरियल है, तो हमारा अभी मान के चलते हैं मेश है, ऊपर क्लियरली दिख रहा है, तो ये है। हील टाइप क्या है, तो आप हील टाइप डाल सकते हैं, हील टाइप हमारी जस्ट अ सेकेंड नो हील में ले लेते हैं क्योंकि वैसा है। इसके बाद है स्टाइल टाइप, तो वॉकिंग आ गया है इसमें, रनिंग भी होना चाहिए, ले हम स्नीकर्स ले सकते हैं, स्नीकर डिजाइन है, ठीक है। तो आप यूनिट काउंट कितने यूनिट्स हैं आपके पास, तो वो आप डाल सकते हैं, तो लेट सपोज मैं 20 डाल देता हूँ। अब ये कभी कार होता है कि मान लीजिए वेट है या कुछ है, आपके कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें वो 500 ग्राम्स का है, तब आप ऊपर यूनिट लेंगे 500 और नीचे वेट लेंगे, तो इस तरीके का है, तो ये एट्रीब्यूट मेरे काम का नहीं है, तो मैं इसको यूनिट काउंट में रेलिवेंट एट्रीब्यूट मार्क कर दूंगा, तो वो मेरे यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद मॉडल नेम, अगर आपने अपने प्रोडक्ट कोई मॉडल दिया तो मैं इसका नाम देता हूं अमेजिंग। शू हाइट जो भी है, आपके जूते की जो हाइट है वो आप दे सकते हो, तो दिस इज लो टॉप। वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं है, तो वाटरप्रूफ तो नहीं है, नॉन वाटर रेजिस्टेंट है ये है। मटेरियल और फैब्रिक आप बता सकते हैं, तो अगर वूल फॉर नॉट एप्लीकेबल, इसमें हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टाइप, मतलब सीजनल है, फैशन है, तो हमारा फैशन में जाएगा। एंड तो आप चलते हैं वेरिएशन पे। वेरिएशन पे आप देखोगे हमने शुरू में शू साइज एंड कलर्स सेलेक्ट कर लिए थे एट्रीब्यूट्स में, तो अब आपको यहाँ पे ये जो कलर है, कितने कलर के प्रोडक्ट है आपके पास, तो वो डिफाइन करना है। तो लेट्स सपोज मेरे पास पिंक कलर है, इसको मैं ऐड करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे पिंक कलर ऐड हो गया है, लेकिन उसका शू साइज मिसिंग है, राइट। तो यहाँ पे हम इस शू साइज को डाल देते हैं 6 एंड इसको भी ऐड कर देते हैं, राइट। तो आपका देखोगे पिंक 6 आ चुका है। तो नेक्स्ट अगर हम ऐड करें कलर, तो विच इज ब्लैक, तो हम ब्लैक ऐड कर देंगे, 7 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से 7 हो जाएगा। तो आप देखोगे मैंने पिंक के साथ एक कॉम्बिनेशन में 6 बन चुका है, ब्लैक के साथ 6 बन चुका है, पिंक के साथ 7 बन चुका है, ब्लैक के साथ 7 बन चुका है। एक हमारा ग्रीन कलर भी है, इसको हम ऐड करेंगे, तो जैसे इसको ऐड करेंगे तो आप देखोगे इसके साथ भी ग्रीन का 6 और 7 बन चुका है। तो लेट सपोज मेरे पास एक शू साइज और है, विच इज 8, हम जैसे इसको डालेंगे, आप देखोगे कि इन तीनों का भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है इस वेरिएशन को क्रिएट करना।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी जो फील्ड्स हैं वो रेड कलर में हैं और ये सब मैंडेटरी फील्ड हैं, इसके बिना आप वेरिएशंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इन सबको जल्दी से हम फिल कर देते हैं। तो इसमें हम फीमेल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा शू फीमेल रिलेटेड है, जल्दी से इसको फिल कर देते हैं सबके अंदर फीमेल। द नेक्स्ट इज एज डिस्क्रिप्शन, ये अडल्ट्स के लिए है, किड के लिए, बेबी के लिए, तो ऑब्वियसली अडल्ट के लिए है ये प्रोडक्ट, तो हम इसको डाल देंगे। इसके बाद फुटवेयर साइज सिस्टम हमें सेलेक्ट करना है, तो यूके की यूके ही चलते हैं, इंडिया में यूके सिस्टम ही चलता है, जो 6, 7, 8 नंबर हमने सेलेक्ट किया है दैट इज अ यूके सिस्टम। आप कहते हैं ना कि कितने नंबर का जूता लगता है, 6 नंबर का 7 नंबर का, दैट इज द यूके साइज सिस्टम। ओके, द किसके लिए है, तो ऑब्वियसली शू अडल्ट्स के लिए है, तो आप अडल्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अगेन। इसके बाद जेंडर आप सिलेक्ट करना चाहें तो फिर से मेन वुमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टारगेट जेंडर आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन जैसा मैंने सजेस्ट किया है कि इन्फॉर्मेशन देना ज्यादा बेटर है तो आप दे दीजिए। मैं थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन इस टाइम का जो आउटपुट है वो बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। इसके बाद शू साइज क्लास, तो न्यूमेरिक है क्योंकि आप 6, 7, 8 डाल रहे हैं, तो न्यूमेरिक क्लास है ये, तो आप यहाँ पे न्यूमेरिक ले लेंगे। इसके बाद शू साइज विड्थ, अगर आपको पता है कि मीडियम है नैरो है तो हमारी मीडियम है विद दिस। उसके बाद हम राइट में आते हैं और आप देखोगे काफी सारे फील्ड्स हैं जो नॉन मैंडेटरी हैं, तो इसको हम नहीं भर रहे हैं। और यहाँ पे आ गया है कलर मैप, किस कलर का प्रोडक्ट है, तो हमारा पहला था पिंक, तो हम यहाँ पे पिंक सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें भी पिंक डाल देते हैं, तीनों शूज पिंक के थे हमारे। बाद देख लेते हैं पिंक ब्लैक ग्रीन ग्रीन पिंक ब्लैक, ओके। तो इस बार सेकंड हमारा ब्लैक था, सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज पिंक देन ब्लैक, के बाद था हमारा ग्रीन ग्रीन पिंक ब्लैक ग्रीन, उसके बाद हमारा ग्रीन ग्रीन ब्लैक एंड ग्रीन, ठीक है। तो ये हमारा डेटा फिल हो चुका है, इसके बाद हम एंड में आएंगे, तो आप आइटम की कंडीशंस डिफाइन करेंगे जो कि न्यू है, न्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। द नेक्स्ट इज कि हम यहाँ पे प्राइस लिखेंगे, राइट। तो लेट सपोज मेरे शू का प्राइस है 999, तो ये 999 हम हर किसी में डाल देंगे। इसके अलावा हम इसके आगे क्वांटिटी डाल लें तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेट सपोज मेरे पास 20 क्वांटिटी है हर पेयर की, तो इस तरीके से आप क्वांटिटी एंड अपने प्राइस को यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो डेटा है वेरिएशंस का वो डाल चुका है, आप देखेंगे ऊपर से रेड कलर का एक्सक्लेमेशन मार्क भी हट चुका है। अब हम चलते हैं ऑफर पे, तो जब आप ऑफर पे आएंगे तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस पूछेगा जो कि आप जिस प्राइस पे अपने इसको बेचना चाहते हैं, राइट। तो मैंने 999 सेलेक्ट किया है, तो मैं इस प्राइस पे बेचना चाहता हूँ। कंट्री एंड ऑफ ओरिजन ये मैंडेटरी हो चुका है पिछले 2-3 सालों से, और HSN कोड भी आपको डालना पड़ेगा शूज के केस में। मैं 640411 डाल देता हूँ यहाँ पे, जो कि शूज का ही HSN कोड है, लेकिन आप जो शूज बेच रहे हैं या जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना HSN कोड डालेगा। नेक्स्ट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये शू की मैक्सिमम प्राइस कितनी है, इस MRP कितनी है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1500। एंड इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप फुलफिलमेंट चैनल क्या यूज करेंगे, आप खुद सेल्फ शिप करना चाहते हैं या Amazon की सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड कंप्लायंस, यहाँ पे आप अगर पैकर्स की डिटेल डालेंगे, अगर आप मैन्युफैक्चर कहीं कर रहे हैं और पैकिंग कोई और कर रहा है, तो पैकर का जो एड्रेस है वो आप डालेंगे। तो लेट सपोज मेरा है ABC लिमिटेड, तो मैं वो डाल दिया है, और लेट सपोज मैन्युफैक्चरर जो है वो है अमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे, जो भी फोन नंबर है या कस्टमर केयर का, तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही रैंडम नंबर डाल देता हूँ एंड वी विल सबमिट। तो इस तरह आप अपना प्रोडक्ट Amazon पर लिस्ट कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि आप अपनी लिस्टिंग्स में रेलिवेंट एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करें, सो दैट वो page 1 पर रैंक हो पाए। और बेस्ट कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं उसके लिए ये वीडियो अभी देख लो।